बीटेक के सभी बच्चों का मेरे क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें हम देखने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन अनेक तय होते हैं और क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम बहुत ज़्यादा इसकी थियोरेटिकल पार्ट को नहीं देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको बस हम देखने जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कहता है कि कंपाउंड देता है और कहता है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो हम पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ सिग्नल्स को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स की काउंटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे होगा, इस बात को समझने जा रहे हैं। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां पे पहला एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके लिए। देखिए पहला एक एग्जांपल ले रहा हूं CH4 और हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एनएमआर के कितने सिग्नल होने चाहिए CH4 में। तो CH4 में निकालना बहुत आसान है, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे, देखिए कार्बन है ऐसे और कार्बन से लगे हुए चार हाइड्रोजन है, देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से। हमको देखना क्या होता है, हमको यह देखना होता है कि ये जो हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट एक जैसा है या अलग अलग है। सिग्नल इसी बात पे डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि अगर इस हाइड्रोजन को देखिए तो इसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से एटम हैं। अगर सेम प्रकार के एटम हैं तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट एक जैसा है। जैसे इस हाइड्रोजन के लिए देखिए तो CH3 का इन्वायरमेंट है, CH3 का मतलब एक कार्बन तीन हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन के लिए देखिए तो एक कार्बन तीन हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन के लिए देखिए एक कार्बन तीन हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन के लिए देखिए एक कार्बन तीन हाइड्रोजन का। इसका मतलब है कि CH3 को अगर आप देख रहे हैं, देखिए यहां पे, तो इसमें ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं ये सब के सब इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब है कि जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं कि ये सब के सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तरह बिहेव करेंगे। अगर सबका इन्वायरमेंट एक जैसा है, इसका मतलब है कि इनके द्वारा केवल एक पीक आएगा। ओके, हम दिखाते कैसे हैं, हम ए करके दिखाते, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कि सबका इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो पीक कितना आएगा, इसका मतलब है कि जब एनएमआर का पीक आएगा तो ये पीक देखिए ऐसे आएगा, एक पीक आएगा ऐसे शार्प इस तरीके से। और इस पीक को हम कैसे लिख देंगे कि ऐसे लिख देंगे ए। तो इसका मतलब है कि एनएमआर में जो पीक आएगा या सिग्नल, सिग्नल भी कह सकते हैं, जो सिग्नल की संख्या होगी उसकी संख्या कितनी होगी, तो एनएमआर सिग्नल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। आ गया, आसान सी बात थी। अब दूसरा एग्जांपल करके आप देखते हैं कि क्या दूसरे एग्जांपल में भी हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको पीक को बता सकते हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करने को देता है एग्जाम में। तो नंबर ऑफ सिग्नल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे नंबर ऑफ सिग्नल से बताने जा रहे हैं सीधे सीधे। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए CH3 CH2 Cl ऐसा कंपाउंड है और कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्नल्स, एनएमआर के कितने सिग्नल्स आपको मिलेंगे, ये आपको यहां पर बताना होगा। मैंने बोला कि नंबर ऑफ सिग्नल्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि कितने सेट के इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। अगर सभी के सभी प्रोटॉन एक ही तरह के हैं, एक ही सराउंडिंग्स में है, तो एक पीक आएगा। दो अलग अलग तरह के सेट ऑफ प्रोटॉन हैं, यानी दो प्रोटॉन अलग अलग एनवायरमेंट में है, तो दो पीक आएगा। तीन तरह के प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, तीन तरह के प्रोटॉन का सेट पाया जा रहा है, तो तीन पीक आएगा।
जितने तरह के आपके प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट होगा उतने तरीके का पीक आपको देखने को मिलता है। अब जरा यहां स्टडी करते हैं, जब देखिए यहां पे, तो इसको जब नीचे हम बनाने जा रहा हूं, देखिए देखिए CH3 है, देखिए CH2 है, Cl ऐसे, देखिए ये दो यहां पे हाइड्रोजन या प्रोटॉन, यहां पर जो हाइड्रोजन है इनका जो एनवायरनमेंट है कैसा है, तो इनका एनवायरनमेंट अगर देखना है तो एक मिनट देखो, मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, देखो ऐसा, अगर इनका एनवायरनमेंट देखना है तो देखिए इसके लिए क्या है CH3 CHCl, इसके लिए क्या है CH3 CHCl, यानी इन दोनों प्रोटॉन के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट है, तो यानी इसके द्वारा इन दोनों के द्वारा एक सिग्नल आएगा, लेकिन इसका एनवायरनमेंट अलग है इन दोनों की अपेक्षा, क्यों अलग है भैया, इसको समझिए, देखिए देखिए CH3 को अगर आप समझते हैं, देखिए यहां पे देखिए, और ये आपको मान लिया CH है, ये देखिए देखिए इस हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है ये क्या हो गया CH2CH2Cl, इसका CH2CH2Cl, इसका CH2CH2Cl, यानी इस हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट था इस हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग है, यानी इन तीनों के लिए अलग पीक आएगा, यानी कहने का मतलब है अब हम इसको बी लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे, यानी एक पीक ए का आएगा एक पीक आपका बी का आएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि हम इसको जब लिखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर ए और इसके ऊपर बी लिखते हैं ऐसे, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दो तरह के प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, एक ये वाला प्रोटॉन है जिसका एनवायरनमेंट CH3CHCl का है इन दोनों के लिए, एक ये तरह के प्रोटॉन है जिनका एनवायरनमेंट CH2CH2Cl का है ऐसा, तो पीक्स का जैसे मतलब इसका मतलब है कि देखिए इस तरीके के दो पीक्स आपको देखने को मिलेगा, एक ए के कारण होगा और एक बी के कारण होगा, यानी पीक की संख्या से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कंपाउंड में कितने तरह के एनवायरनमेंट में प्रोटॉन उपस्थित हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, अगर दो तरीके का मतलब दो अलग अलग एनवायरनमेंट में प्रोटॉन पाए जा रहे हैं ये हम देख पा रहे हैं, तो ये हमने बताया किसके लिए CH3CH2Cl के लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी आनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिर अगला करके देखिए, अगला एग्जांपल देखते हैं, जितना ज्यादा आप इसमें करेंगे उतना आपको समझ में बेहतर आपके लिए होगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने कितने आनी चाहिए। अगला देखिए, इसमें अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है CH3CH2CH3। अब देखिए इसको खुद से भी लगाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, तब आपको समझ में बातें आएंगी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आने चाहिए। अब फिर से क्वेश्चन वही है कि आपको बताने हैं कि NMR के नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स NMR के होने चाहिए, ये आपको बताना है यहां से। अब बताइए भाई, अब ये देखिए कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं, ओके, कितने तरह के प्रोटॉन का सेट आपके पास है उतने तरह का पीक आएगा। देखिए पहले देखिए ये तीनों हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो इन तीनों हाइड्रोजन के लिए CH2CH3 है एनवायरनमेंट, CH2CH2CH3 मतलब देखिए ऐसे मैं फिर से बना दिखाता हूं। देखिए अब किसी भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन के लिए आप देखोगे, देखो यहां पर किसी भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन के लिए आप देखोगे तो देखो CH2CH2CH3, इसके लिए भी CH2CH2CH3, इसके लिए भी CH2CH2CH3, तो सबके लिए यही है, ठीक है, यानी एक जो आपको मिलेगा यहां से मिल जाएगा। अच्छा भाई इसके लिए देखो क्या इसके लिए अलग है कि इसी तरह से है, तो अब देखो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, CH3 कर दे रहा हूं, इसके लिए मैं कर दे रहा हूं देखो ऐसे, अब ऐसे कर दे रहा हूं देखो, तो इसके लिए एनवायरनमेंट देखो तो वो CH3CHCH3, तो इससे अलग है, इससे अलग है कि एक ही तरह का है, तो यहां CH2CH2CH3 है, यहां देखो यहां पर CH3CHCH3, यानी ये अलग तरह का है, तो एक पीक इस हाइड्रोजन के कारण मिलेगा, इसके लिए देखो इस CH3 के लिए, तो इस CH3 के लिए देखो, तो देखो CH3CH2CH एंड H ऐसा हो गया, तो इस हाइड्रोजन के लिए देखो CH2CH2CH3, यहां भी देखो CH2CH2CH3,
यानी कहने का मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक जैसा है। एनवायरनमेंट का मतलब उसके सराउंडिंग्स में जो एटम या ग्रुप्स लगे हैं एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इसके द्वारा भी आपको सेम तरीके का मिलेगा और इसके द्वारा भी आपको एक ही जैसा मिलेगा। तो इसलिए दोनों के लिए ए लिखा जाएगा और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए, दो केवल, एक इसके कारण, इन दोनों के कारण, यहां एक सेट है यहां एक सेट है, लेकिन एनवायरनमेंट एक जैसा है तो पीक की वैल्यू केवल एक आएगी। और यहां पर इसका एनवायरनमेंट अलग है इन दोनों हाइड्रोजन का, इसके नाते एक पीक आएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या दो पाई जाएगी। तो इस तरीके से हम ए और बी क्यों लिखते हैं, सिग्नल को दिखाने के लिए, तो ए और बी से पता रहेगा किसका कौन सा सिग्नल है। अब इसमें और भी पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी देखा जाएगा। अभी एकदम सिंपल टाइप देख रहे हैं, सिग्नल को काउंट कैसे कर रहे हैं ये बस देखा जा रहा है। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया इसका, आगे देखिए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हो कि सर आपने इसका कैसे किया, तो मैं फिर उससे कोशिश करूंगा बता दूंगा आपको। तो मेरे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, तो और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए नेक्स्ट है CH3, CH, Cl, CS3, सेम चीज। आपको फिर से क्या फाइंड आउट करना है, आपको फिर से निकालना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फिर से बताना है। तो जस्ट फिर से समझ लेते हैं। देखिए इस हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए तो CH2, CSCl, CS3 ऐसा होगा, सबके लिए ऐसा ही होगा। इसके लिए आप देख लेते हैं, इसके लिए अगर आप देखोगे तो कैसा हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपके लिए CsCl CS3 ऐसा। तो इन दोनों के लिए तो सेम आ रहा है, इस हाइड्रोजन के लिए अलग आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट तो एक जैसा है, लेकिन फिर से इसका एनवायरनमेंट जो है चेंज हो गया है ऐसा। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या फिर से कितनी आनी चाहिए, दो आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स यहां भी दो आएंगे। इसी तरीके से और भी मेरे पास ढेर सारे हैं, एक और करके देखते हैं। यहां पर CS3 देखिए, CS3OH, जितने प्रोटॉन होंगे उनके लिए काउंट करना, केवल हाइड्रोजन के लिए काउंट होगा और किसी एटम के लिए काउंट नहीं करना है आपको, केवल प्रोटॉन के लिए। नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कह रहा है कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। देखिए ये तीनों हाइड्रोजन जो है एक एनवायरमेंट में होंगे, कैसे एक एनवायरमेंट में होंगे, देखिए जहां कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे करके बना लिया करिए, देखिए ऐसे ऐसे। देखिए इस हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो CH2OH होगा, इसके लिए देखोगे CH2OH होगा, इसके लिए CH2OH होगा। तो इन तीनों के लिए एक जैसा एनवायरमेंट है, इसके लिए अलग है, इसके लिए देखिए OCH3 है ऐसा है। तो मतलब एक सिग्नल इससे आएगा, एक सिग्नल इससे, यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या यहां कितनी आएगी, दो आएगी। आसान है, दो सिग्नल्स यहां भी आएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, मिटा दे रहे ऊपर का भी, तो जगह हम लोग के पास हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग NMR के बाद IR देखेंगे, सबसे लास्ट में UV देख लेंगे, तीन ही आपके कोर्स में है। तो NMR चूंकि क्वेश्चन इससे आना निश्चित है, तो इसलिए मैं NMR को पहले बताता हूँ। NMR आसान भी है, सबसे आसान है, NMR बहुत ही सिंपल है, और सिंपल तरीके से मैं बताता भी हूँ कि उतनी ही चीज़ें बताता हूँ जितना एग्ज़ाम में आएगा। तो सिग्नल ज़रूर आएगा, सिग्नल की काउंटिंग आएगी, तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट CS3, CS2, CS2, Cl। अब देखिए ऐसा, फिर वही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स बताना है भाई, कितने तरीके के सिग्नल्स आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स की काउंटिंग करनी है। अब पहचानिए भाई कितने तरीके के प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कितने प्रकार का है यहाँ पे, तो कितने प्रकार के प्रोटॉन है वो। देखो इन तीनों के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट है, होगा ही। देखो सबके लिए CH2, 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 Cl होगा, करके देख लें, करके देख लेते हैं भाई। बच्चे कहते हैं सर करके बता दीजिए भाई, कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। देखो भाई करके देख लेते हैं, देखो ये देखो, तो सबके लिए एनवायरनमेंट चेक करो। देखो इसके लिए एनवायरनमेंट CS2, 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 Cl,
इसके लिए CH2, 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 Cl, इसके लिए CH2, 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 Cl, तो इन तीनों के लिए एक जैसा, तो मतलब एक इससे आएगा, एक पीक इससे आएगा, इस हाइड्रोजन के सेट से, तो इस हाइड्रोजन के सेट से एक पीक आएगा। इससे इसका एनवायरनमेंट अलग है क्या, कि सेम है, तो इसका एनवायरनमेंट देखो अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर CH3 है, इधर CH2Cl है, तो एक पीक इसके नाते आएगा इस हाइड्रोजन के सेट से। अच्छा, इसका एनवायरनमेंट भी कुछ अलग है क्या, तो यार देख लेते, चेक कर लेते हैं जरा सा। देखो CH3, CH2, CHHCl, ऐसा चेक कर रहे हैं कि इसका इसके एनवायरनमेंट में फर्क है अथवा नहीं है। तो इसका एनवायरनमेंट चेक करिए, तो देखिए CH, CHCl, CH2, CH3, और यहां पे क्या था, यहां पे CH2, 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 Cl था। तो देखिए एनवायरनमेंट फर्क है, एनवायरनमेंट फर्क होने का मतलब है कि उसके सराउंडिंग में जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन अलग है, उनका जो है नंबर संख्या वैरी करे, उनकी पोजीशन अलग होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए अलग है, देखिए यहां पे CH2, 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 Cl है, और यहां पर है CHCl, CH2, CH3 है, तो इसका भी पोजीशन मतलब इसका भी एनवायरनमेंट अलग है। तो मतलब इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट एक जैसा है, लेकिन इन दोनों से अलग है। तो इसका मतलब एक पीक जो होगा इसके नाते भी आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पीक्स की संख्या देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक इस प्रोटॉन के सेट से, दूसरा इस प्रोटॉन के सेट से, और तीसरा इस प्रोटॉन के सेट से मिलेगा। तो ये तीन पीक्स आपको इस कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका एक और एग्जांपल। अगला भी एग्जांपल देखें इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। तो अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं, देखिए अगला एग्जांपल कह रहा है कि भाई ये बताना है, देखिए ऐसा इस तरीके से ये कंपाउंड कह रहा है बताने के लिए ऐसा कि भाई कितने तरीके के पीक्स आएंगे। अब देखिए कितने प्रकार का पीक्स आएगा, तो यहां पर देखिए, यहां पे जब भी ये रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग्स, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सबके साथ इक्विवेलेंट हैं, तो उनके नाते हमेशा एक ही पीक आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी हैं सबके लिए इक्विवेलेंट होगा, मतलब पोजीशंस, इन्वायरमेंट एक जैसा होगा। तो मतलब यहाँ के लिए भी एक आएगा, इस हाइड्रोजन के लिए भी, यहाँ भी जो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी यहाँ पे कोई पीक नहीं आएगा। लेकिन बाकी सबके लिए हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक ही तरीके का पीक आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक जैसा ही होगा, करके आप देखिएगा एक जैसा आएगा। इसका अलग आएगा, इन तीनों के लिए अलग आएगा, तो एक सेट किसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, मतलब इन तीन हाइड्रोजन के लिए एक पीक आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पीक देखोगे तो केवल कितने आएंगे, दो आएंगे, तो दो नंबर में ये आपके आएंगे, मतलब दो पीक आएगी यहाँ पे। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है, करके देख लेंगे, देखो भी करके देख लेते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप समझ ही ना रहो। देखो सब कार्बन लगा देते हैं, चलो देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन में लगा दे रहा हूँ, इसीलिए देखो और यहाँ पे क्योर कार्बन है, ऐसा ऐसी कंडीशन है। अब देखो इस हाइड्रोजन के लिए जो एनवायरनमेंट है वो ये पूरा रिंग है और CH3 है, इसके लिए देखिए ये पूरा रिंग है और CH3 है, इसके लिए ये पूरा रिंग है और CH3 है, ऐसे सबके लिए पूरा रिंग है और CH3 है। तो मतलब ये सारे हाइड्रोजन के द्वारा एक जैसा एनवायरनमेंट होगा, तो इसके द्वारा केवल एक पीक आएगा और इसका एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, तो इसके लिए एक और पीक आएगा। तो इसलिए टोटल पीक या टोटल सिग्नल की संख्या कितनी है, दो सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया इसका। अगला देखिए, नेक्स्ट ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप करें, जितने भी बुक्स में आपके दिए हुए हैं तो आपको आसानी हो जाएगा। अगला करके देखें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट CH3 का होल थ्राइस CNH2 है, ऐसा ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स की काउंट करिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स इसके लिए आपको काउंट करना है, कितना होगा या करके देखें, तो आप लोग अब कर पाते कि नहीं कर पाते, देखिए एक बार इसको करके, हो पा रहा है कि नहीं आपसे,
इन्वायरमेंट चेक करिए कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबका इन्वायरमेंट एक जैसा या अलग अलग है। इन्वायरमेंट अलग अलग तो पिक की संख्या भी उतनी होती है। जैसे दो इन्वायरमेंट में प्रोटॉन है तो दो पीक आएगा, तीन इन्वायरमेंट में है तो तीन पीक आएगा, सभी एक ही इन्वायरमेंट में है तो एक पीक आएगा। जितने इन्वायरमेंट में प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उतने नंबर ऑफ पीक्स आते हैं। तो करके देखा गया, चलिए देखिए। अब देखिए मैं बना देता हूँ। देखिए होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस का मतलब देखिए इसका मतलब ऐसा होता है। देखिए अब क्लियर हो गया होगा, अब समझ में आ गया। अब देखिए जितने भी हाइड्रोजन्स इसके हैं उन सबके लिए इन्वायरमेंट क्या है, उन सबके लिए इन्वायरमेंट होगा सी एच, यहाँ पे सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एन एस टू। इसके लिए देखो सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एन एस टू, इसके लिए भी सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एन एस टू, यानी इन सब के लिए एक जैसा इन्वायरमेंट आएगा। यानी इसके लिए भी एक इन्वायरमेंट है, सेम इन्वायरमेंट इसका भी है, सेम इन्वायरमेंट इसका भी है, लेकिन इस हाइड्रोजन के लिए अलग है। इसके लिए इन्वायरमेंट देखो चेंज हो गया है, यानी इसके सराउंडिंग्स में जो एटम्स हैं उनकी संख्या चेंज है या उनकी पोजिशन चेंज है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक अलग से पीक आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पीक कितने आएंगे, तो एक इनके द्वारा आएगा और एक इनके द्वारा। टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितने आएंगे, दो आएंगे, तो केवल दो आएगा पीक। तो ये दो पीक्स यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा, तो ये आपको दो पीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए सी एस थ्री सी एस टू सी सिक्स एच फाइव, ये ऐसा है। फिर से कह रहा है नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या इसको बताना है आपको है, तो कैसे बता पाएंगे, या देखिए देखिए कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं। तो ये सी सिक्स एच फाइव का मतलब रिंग, वही बेंजीन वाला रिंग है ये, इसका मतलब है ये ऐसे है। देखो इसको ऐसे भी कह सकता है सी एस थ्री सी एस टू, देखो यही है, ये बना हुआ है। देखो इनके द्वारा तो एक सिग्नल आता है, अभी देखा गया है, तो इसके द्वारा एक सिग्नल आएगा जितने भी हैं। इसका देखो अलग होगा, इससे अलग है तो एक सिग्नल इसके द्वारा भी आएगा, और ये भी अलग है तो एक सिग्नल क्या होगा, इसके द्वारा भी आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या तीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिग्नल्स हम कैसे काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे आप सिग्नल्स को काउंट कर सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसको नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स पे जाकर के लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ रहे हैं। तो मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ होमवर्क के फॉर्म में। इसको मिटा देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क दे दूँगा, चलिए तो घर पर बैठ के करिएगा, फिर उसको लिख के हमको बताइएगा। ओके चलिए, आप लोग कोई मतलब ये नहीं बताते नहीं हो, आप लोगों होमवर्क देता हूँ तो कुछ बताते नहीं आप लोगों। तो पहला देखो ये है, दूसरा अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आएगा तो आप बताएं कहाँ समझ में आपको नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा तब पर भी बताइए क्या सा समझ में आया। आप लोग के साइड से कुछ आना होता ही नहीं है, ये मैं ही क्यों समझता हूं कि भाई पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। सी एच है, देखा तो ऐसे ही करता था ना, देखो ऐसे करता। चौथा सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, सबका सिग्नल बताना है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, सबके नंबर ऑफ सिग्नल्स को काउंट करना है। सी एस थ्री ओ सी एस टू सी एस थ्री, ऐसा। नेक्स्ट छठा सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी एस थ्री बी आर, ऐसा। तो इसके लिए बताने हैं, और कोई छूट रहा है क्या। एक सातवां भी देखिए सी एस थ्री सी एस टू
CH2NH2 ऐसा, इसके लिए बताना है। तो इन सभी के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स को काउंट करना है। तो सभी का नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करके कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए कि सर इसका सिग्नल सी आ रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको बस देखना है कि जितने प्रोटॉन से इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है या अलग अलग है। अगर एक एनवायरनमेंट है तो एक पीक आएगा, अलग अलग एनवायरनमेंट है तो उतने पीक आपको देखने को मिलेंगे। ABC करके लिखिएगा। तो ऐसे लिखने का तरीका यही है। तो अगली बार हम जब क्लास में आएंगे, अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें आपको स्प्लिटिंग बताएंगे, कैसे स्प्लिट करता है सिग्नल और कंपाउंड कैसे पहचाने जाते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।